तू इंसान है या पत्थर, तुझ पे मार का कोई असर नहीं हो रहा है। अबे कौन है बे तू? अपनी हालत देखकर तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तेरा बाप ही हो सकता हूँ? इतना तो समझ गया कि तू किसी नेता का न भाई है और न ही बेटा और न ही किसी का साला, क्योंकि नेता लोगों के यहाँ मेरा आना जाना होता है। होगा है, क्योंकि सबके तलवे जो चढ़ते हो। नंगा करके इतना पीटा तुझे, तुझे फिर भी डर नहीं है? डर? हिमालय जैसे शान हमारे, सागर जैसे मनमाऊ जी हैं, हमें मौत सलामी देती है क्योंकि हम हिंदुस्तान के फौजी हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि तू फौजी है। तुम जैसे फौजियों से बहुत कष्ट है हमें। खुशी हुई मुझे, खुशी हुई तुम जैसे फौजी को नंगा करके मारा हमने। तुम लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अरे वर्दी तुम लोग भी पहनते हो और हम भी पहनते हैं। गन तुम भी रखते हो और गन हम भी रखते हैं। तुम भी मरते हो और हम भी मरते हैं, लेकिन देश के सच्चे सपूत सिर्फ तुम लोगों को बोला जाता है। क्योंकि तुम्हारी वर्दी के एक एक धागे में करप्शन की लाखों गांठें पड़ी हैं। बालिका गृह में औरतों और लड़कियों पे हो रहे हर एक जुर्म तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा जमीन उन अमीरों का गुलाम जो है, क्योंकि तुम भारत माँ के लाल नहीं, उन चंद पावर और पैसे वालों के दलाल हो। अच्छा, हम दलाल हैं? हम दलाल हैं? और तुम लोग भारत माँ के लाल हो। सारे देश की जनता जानती है कि कश्मीरी निर्दोष लोगों के साथ तुम लोग क्या करते हो, और दलाल हम हैं। नौजवानों पे जुल्म करते हो और दलाल हमें कहते हो। तुम लोग जवान नहीं, हैवान हो, हैवान। ये हिंद जिसकी हो आन बान शान, वो है जवान। हर हिंदुस्तानी जिस पे करे अभिमान, वो है जवान। जो अपने देश के लिए हो कुर्बान, वो है जवान। तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस वालों पे हाथ उठाया? Hey! 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 H
तुम लोग उधर जाओ। अभी कुछ मत सोचो, अभी हमने की पनाह चाहिए। लेकिन वीर प्लीज, इधर किसी लड़के लड़की को भागते हुए देखे हैं का? अरे जनाब, मैं तो नमाज अदा कर रहा था, नहीं देखा। पर हाँ, मेरा दरवाजा खुला हुआ था, तो बेशक आप मुझसे ही तो पूछेंगे। अरे हुजूर, गलियों की खाक छानने से बेहतर है कहीं बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर जाकर खोजिए। भागने वाला भला किसी के घर में क्यों छुपेगा? हाँ, वो तो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा ना, और यकीन ना हो तो छोटा सा ही तो घर है। आइए खुद देख लीजिए। सर, 18 नंबर बूथ से मैसेज आया है, वैसे ही एक लड़का और लड़की को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा गया। ठीक है मौलवी साहब, मूव मूव। यस सर, फास्ट फास्ट। मैंने जानबूझकर पुलिस वालों से झूठ बोला, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आंखों में सच्चाई और मजबूरी दोनों दिख रही हैं। तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और दो मोहब्बत करने वालों की मदद करना कोई गुनाह नहीं। चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान। आओ मुनव्वर आओ, ये मुनव्वर है, मेरे बेटे जैसा है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और मेरी खिदमत भी करता है। मेरे लिए खाना लाया है मुनव्वर जी, इनके लिए भी कुछ ले आओ। जी चाचा जान, बड़े नसीब से किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। आपा, आप मुझे गैर मत समझिए। तुम दोनों जब तक चाहो यहां बेखौफ रह सकते हो, यहां कोई नहीं आएगा। या मेरे खुदा, इन दोनों की मोहब्बत को सलामत रखना। आमीन।